तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जबरदस्त अंदाज में जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया और इंडियन टीम के फैंस दोनों का मोराल बहुत ही ज्यादा हाई है और अब हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने अगले मैच का, जो कि हमें दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के सामने खेलना है। अब दिल्ली की पिच पर जो पहला मैच खेला गया था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, वो एक बहुत अनलाइक दिल्ली की विकेट थी। अमूमन हम देखते हैं कि दिल्ली की विकेट थोड़ी सी स्लो होती है, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलती है और कम से कम ऑन द अप शॉट लगाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने 425 रन बनाए, फिर 350 रन श्रीलंका ने भी चेस करते हुए बना दिए। तो अब सवाल यह है कि क्या टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच के लिए कुछ बदलाव होंगे? श्रेयस अय्यर, जो कि एक खराब शॉट मारकर आउट हो गए थे अंडर प्रेशर, उनकी जगह पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। ईशान किशन को क्या ओपनिंग से उठा करके मिडिल ऑर्डर में कर देना चाहिए? शुभमन गिल की फिटनेस पर क्या सवाल है? कुछ लोग सूर्य कुमार यादव की एंट्री चाहते हैं, मोहम्मद शमी के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे ही कुछ बड़ी अपडेट्स लेकर के मैं आपके लिए इस वीडियो में आया हूं, जो कि आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चंस को क्लियर कर देगी बिफोर द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले अपडेट निकल करके आई है शुभमन गिल की अवेलेबिलिटी को लेकर, एंड इट इज हाईली अनलाइकली कि शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ हमें खेलते हुए दिखाई दे, क्योंकि वो डेंगू के बुखार से रिकवर हो रहे हैं। इसलिए उनका अफगानिस्तान के सामने और जो रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं उससे आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर वो हमें पाकिस्तान के सामने भी खेलते हुए दिख जाए, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा कंसिडरिंग कि पाकिस्तान के सामने हमें अहमदाबाद के मैदान पर खेलना है, जो कि शुभमन गिल का बहुत ही फेवरेट ग्राउंड है। बट डेंगू का बुखार यार पूरी तरीके से हड्डियों में दर्द कर देता है। मतलब मुझे डेंगू हुआ था, एक हफ्ता हो गया है मेरा फीवर उतरे हुए और अभी तक मैं जिम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। माई कैल्फ मसल्स, लोअर बैक मसल्स आर स्टिल एकिंग वेरी बैडली। और शुभमन गिल का क्या हाल होगा मैं अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। ऐसे में गर्मी के दौर में ऐसे ग्राउंड्स पर उतर करके 35-35 डिग्री की टेम्परेचर में 80% ह्यूमिडिटी में मैच खेलना आसान नहीं होने वाला है। और क्योंकि ये एक लंबा टूर्नामेंट है तो आप शुभमन गिल को रिकवर होने का पूरा मौका भी देना चाहते हो, तो कम से कम अफगानिस्तान के सामने वो हमें खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड अगर वो पाकिस्तान के मैच तक फिट हो जाते हैं तो आई विल बी वेरी डिलाइटेड, लेकिन एट दिस मोमेंट इट लुक्स वेरी अनलाइकली। वही श्रेयस अय्यर की प्लेइंग 11 में जगह पर एकाएक बस एक मैच के बाद बहुत बड़े बड़े लोगों ने सवाल खड़े किए। इनफैक्ट युवराज सिंह ने श्रेयस अय्यर को ट्वीट में टैग करके कह दिया कि उनको अपना गेम सुधारने की जरूरत है। आई मीन एक मैच के बाद अगर आप वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हर प्लेयर पर इस तरीके की स्क्रूटनी बैठाओगे तो ये आपकी टीम के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर श्रेयस अय्यर जो कि दो मैच पहले 100 लगा करके आए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने, उनकी जगह पर आप सवाल खड़ा कर रहे हो तो फिर आप ईशान किशन की जगह पर भी सवाल खड़ा कर रहे हो और फिर तो आपको रोहित शर्मा की जगह पर भी सवाल खड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसे तो आप तो 9 प्लेयर के साथ ही मैच में आपको उतरना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में पूरी तरीके से यह बात कंफर्म है कि श्रेयस अय्यर विल रिटेन हिज प्लेस अगेंस्ट अफगानिस्तान और उनको नंबर 4 से फिलहाल हिलाने की या तो कोई जरूरत है और ना ही टीम मैनेजमेंट की ऐसी सोच है। तो श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से हमें प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई देंगे हर मैच के बाद। हर मैच में हर प्लेयर सेंचुरी नहीं मारता और हर मैच के बाद आप हर प्लेयर पर स्क्रूटनी नहीं बिठा सकते, लेकिन हाँ अगर अफगानिस्तान के सामने ईशान किशन कुछ रन बना देते हैं और श्रेयस अय्यर बड़े रन बनाने में या ठीक ठाक रन बनाने में कामयाब नहीं होते हैं और शुभमन गिल अगर फिट हो जाते हैं तब थोड़ी सी सिचुएशन ट्रिकी हो जाएगी। बट आई थिंक श्रेयस अय्यर जिस तरीके की कैपेबिलिटी लेकर के आते हैं, दो मैच पहले बंदे ने 100 लगाया था और एक शॉट पर आप उनकी जगह पर सवाल खड़ा कर रहे हो, विच इज वेरी वेरी अनफेयर श्रेयस अय्यर के लिए। और वैसे भी उन्होंने पिछले समय में बहुत कुछ झेला है, तो श्रेयस अय्यर कम से कम अफगानिस्तान के सामने प्लेइंग 11 से पूरी तरीके से आपको खेलते हुए प्लेइंग 11 में दिखाई देंगे और उनकी जगह पर कोई सवाल नहीं है। वहीं अब सवाल यह है कि दिल्ली की पिच, जिसने पिछले मैच में एक हाई स्कोरिंग मैच देखा था साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच, जैसे हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या रविचंद्रन अश्विन की जगह आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर की जरूरत है? क्या शार्दुल ठाकुर को टीम में आना चाहिए? सूर्य कुमार यादव की क्या कोई जगह बन सकती है या फिर आप उसी टीम के साथ जाओगे? मोहम्मद शामी को क्या आप खिला सकते हो गेंदबाजी मजबूत करने के लिए? ये सारे सवाल यहां पर खड़े हुए हैं, लेकिन लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर कि टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में एट दिस मोमेंट हमें कोई भी बदलाव होता हुआ दिखाई दे इस
इसके चांसेस बहुत ही कम है। इनफैक्ट अफगानिस्तान के सामने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर अगर हम फटाफट नजर मारे तो ईशान किशन और रोहित शर्मा कप्तान पारी की शुरुआत करेंगे, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या इन द मिडिल ऑर्डर, रविंद्र जाडेजा, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज यहां पर गेंदबाजी की कमान संभालेंगे और रविचंद्रन अश्विन की जगह पर कम से कम इस मैच के लिए कोई भी उनकी जगह पर शक और शुबा नहीं होने वाला है। क्योंकि आप देखोगे कि जब दिल्ली में भारतीय टीम खेलेगी तो पिछले मैच की तरह आपको फ्लैट विकेट मिले इसके चांसेस मुझे तो थोड़े से कम ही दिखाई देते हैं। थोड़ी सी गेंद हो सकता है ग्रिप करे, थोड़ी सी टर्न करे, और अगर नहीं भी करती है तो आप अपने जीते हुए मैच में, जीती हुई टीम में अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने बहुत ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहोगे। और इसीलिए मेरा मानना है कि टीम उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएगी। फिलहाल सारे रिपोर्ट्स तो उसी तरफ सजेस्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरा ये जरूर मानना है कि जब आप अहमदाबाद जाओगे तो रविचंद्रन अश्विन की जगह आपको मोहम्मद शामी को खिलाना चाहिए, बिकॉज अहमदाबाद के मैदान पर उनकी गेंदबाजी का सामना करना पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बस की बात नहीं है। और कहीं सेकंड इनिंग में भारतीय टीम की बॉलिंग आती है तो अंडर लाइट्स तो हमने आईपीएल में भी देखा है कि वो हर बैट्समैन को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और अफगानिस्तान के और पाकिस्तान जैसे जो बल्लेबाज होते हैं और अहमदाबाद के मैदान पर पाकिस्तान के सामने, वो पूरे तरीके से उनकी बखिया उधेड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान का मैच जब अफगानिस्तान के बाद आएगा तब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे, बट एट दिस मोमेंट शुभमन गिल हमें अनफॉर्चुनेटली इस मैच में खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। श्रेयस अय्यर की जगह पर कोई भी सवाल नहीं उठने वाला है। ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में नहीं आने वाले हैं, वो हमें ओपन करते हुए ही दिखाई देंगे, और सूर्य कुमार भी श्रेयस को या किसी और प्लेयर को रिप्लेस नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट टीम इंडिया की पूरी सेम प्लेइंग 11 हमें मैदान पर खेलते हुए दिखाई देगी अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ी जीत, और अब उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करने को लेकर के आपका क्या ओपिनियन है शूट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि मैंने आपको वादा किया है कि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एंड आफ्टर दैट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।